सरकार ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन कुमार सिंह की पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें यास्मीन के पद, आय और उसमें कमाई की गई संपत्ति की जांच की जाएगी। तो बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश सचिव विकास तिवारी ने मुख्य सचिव से शिकायत की थी, इसमें उन्होंने बिंदुवार तथ्यों रखते हुए जांच की मांग की। शिकायत के आधार पर राज्य शासन ने जांच बिठाई और राज्य शासन से शिकायत में यास्मीन सिंह की पीएचई विभाग में नियुक्ति पर भी सवाल उठाया गया। बता दें कि शिकायत पत्र में कहा गया कि उनकी नियुक्ति प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए की गई थी। नियुक्ति के दौरान 35,000 रुपये मानदेय तय किया गया था, जिसके बाद बढ़ाकर 1,00,000 रुपये दिया गया। वे 14 सालों तक संविदा आधार पर कार्यरत थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज